क्या मकसद है जिसकी वजह से हम इंसानों को अल्लाह ताला ने पैदा किया? अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप ये आखिर तक वीडियो देखते रहिए। तौहीद के मुतालिक ये पांचवा वीडियो है जो बंदों पर अल्लाह के हुकूक़ के मुतालिक है। सवाल यह था कि अल्लाह ने हमें किस लिए पैदा किया है, इसका जवाब क्या है? आइए हम इसको जानते हैं कि इसका जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में क्या है। अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, ऐसी खालिस इबादत के जिसमें हम उसके साथ किसी को शरीक ना करें। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत हम सिर्फ और सिर्फ ख़ास करके करें और उनके साथ किसी पीर व वली को शरीक ना करें। दलील क्या है? फरमान इलाही है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वो मेरी ही इबादत करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने की वजह से इंसान को पैदा किया गया है। हदीस नबी है, حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا। अल्लाह ताला का बंदों पर ये हक है कि वो उसी की इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक ना करें। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म में साथ है। हदीस बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर है 2856। दोस्तों, ये आपको मालूम हो गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें किस लिए पैदा किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ वज़र हमें अपनी ही इबादत के लिए पैदा किया। इसका जवाब बहुत सिंपल है। आपका ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इन्हें सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको घर बैठे दीनी तालीम